जैसे लोग रोड रेसिंग करते हैं या ऑफ रोडिंग करते हैं, तो उसमें जो थ्रिल होता है, वही जो थ्रिल होता है ये मैक्रो फोटोग्राफी में हम लोगों को मिलता है। मेरी फोटोग्राफी जर्नी स्टार्ट हुई 1987 में। मेरे सोसाइटी में, बिल्डिंग में जिधर मैं रहता हूँ, उधर एक चील का बच्चा घोंसले से गिर गया, और एक मेरे सोसाइटी में जो सीनियर थे जो वाइल्ड लाइफ बर्ड वॉचिंग करते थे, उन्होंने मुझे सलीम अली के बुक में वो बर्ड बताया, और उधर से मुझे फिर वो पंछियों में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। और उसके बाद मैंने आजू बाजू के जंगल में, जो हमारा थाना का जो येऊर फॉरेस्ट है, जिसे मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क का जो थाना साइड का भाग है, उधर मैंने जाके बर्ड वॉचिंग शुरू किया। तभी ना तो इंटरनेट था, ना तो मोबाइल था, ना तो और कोई कम्युनिकेशन का मीडिया था, सिर्फ बुक्स और मैगजीन्स में ही इंफॉर्मेशन मिलती थी। सो इसीलिए जो पंछी हम लोग देखते थे वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, और जो अगर समझो कोई फोटोग्राफी करता था तो वो किस चीज़ की फोटोग्राफी हुई है ये हम लोगों को ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता था। बट बीएनएचएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाके, उधर के वाइल्ड लाइफ लाइब्रेरीज में जाके बुक्स और मैगजीन्स रेफर किए, और फिर आगे सोचा तो सब जगह सिर्फ ये प्रॉब्लम हुआ था कि सर कोई भी जो देखता था वो सिर्फ बड़े पंछी प्राणियों के बारे में बोलता था। टाइगर्स है, लायंस है, व्हेल है, उनके ऊपर काफ़ी सारे डिटेल्स अवेलेबल थे, बट बटरफ्लाइज है, एंट्स है, ड्रैगन फ्लाइज है, वाइल्ड फ्लावर्स है, उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं थी। चूँकि मैं मैमल्स, बर्ड्स, लैंडस्केप, अदर नेचर ये भी डेफिनेटली फोटोग्राफी में ट्राई करता हूँ, बट मैक्रो फोटोग्राफी जो बहुत छोटे जीव जंतु है उनकी फ़ोटोग्राफी, या जो वाइल्ड फ्लावर्स है उनकी फ़ोटोग्राफी जो है, वो मेरे बहुत दिल के करीब है। उस टाइम तो मैं फिल्म कैमरा यूज़ करता था, स्लाइड्स यूज़ करता था, धीरे धीरे डिजिटल कैमरा का एरा शुरू हो गया। अभी तो मिररलेस कैमरा का ज़माना है तो मिररलेस कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही टेक्नोलॉजी हो रही है वो फोटोग्राफी के लिए एक बून है, नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, नए नए फोटोग्राफी करने के लिए आसान हो रहा है, एक्यूरेसी आ रही है, परफेक्शन आ रहा है। वो टाइम जैसे मैंने बोला कि जब फिल्म कैमरा था तभी 36 की रोल होती थी, तो 36 की रोल रुकने तक मुझे रुकना पड़ता था, या अगर उसके बाद मुझे कोई दिखा तो नया रोल नहीं रहेगा तो वो मैं फोटोग्राफ नहीं कर पाता था। इसलिए हमारा कैमरा के ऊपर कंट्रोल, एक्सपोजर के ऊपर कंट्रोल, फोकसिंग के ऊपर कंट्रोल बहुत ऑन फील्ड रखना पड़ता था। आज ऐसे अपने नहीं है। आज डिजिटल एसएलआर हो या मिररलेस कैमरा में आपके पास बड़े बड़े कैपेसिटी के मेमोरी कार्ड्स होते हैं, तो कितने भी वीडियो फुटेज या कितने भी फोटोज आप ले सकते हो, पीछे देख सकते हो एलसीडी स्क्रीन में। सो आज के ज़माने में एक हद मैं बटरफ्लाई भले मोबाइल से भी क्लिक करता हूँ तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है मुझे विद इन 2 सेकेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में या इंटरनेट में या गूगल में मिल जाती है। तभी मुझे ये जो मैंने फोटोग्राफ की हुई बटरफ्लाई की कोई प्रजाति है वो मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए 6-6 महीना लगता था, क्योंकि वो फ़ोटो धुलाना, प्रिंट करना, फिर वो लाइब्रेरी में या इंस्टीट्यूट में लेके जाना, फिर वो उधर छानना, क्योंकि वो डिजिटल सर्च नहीं था, इंडिविजुअल स्पेसिमन जाके उसका मैचिंग करना पड़ता था, वो उसके लिए एक एक बटरफ्लाई की स्पेसिस आइडेंटिफाई करने के लिए 6-6 महीना जाता था। अभी ये जो मैंने बोले कि ये छोटे जीव जंतु है, ये जंगल में जाके ढूंढना ये बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क है। जैसे बड़े एनिमल्स है तो उनका हैबिटेट मालूम रहता है, उनके जो तौर तरीके हैं लोगों को मालूम रहते हैं, तो उनको हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। बट ये छोटे जीव जंतु, समझो एक तितली है या एक छोटा ड्रैगन फ्लाई है, ये कभी किधर मिलेगा ये आपको पहले तो मालूम होना चाहिए। फिर छोटे से जंगल में कौन से पत्तियों के पीछे वो छुपा हुआ बैठा है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी फोटोग्राफी शुरू हो जाएगी। मैक्रो फोटोग्राफी एज अ आर्ट या एज अ फोटोग्राफी का एक डिफरेंट जॉनर करके हम लोग ट्रीट करते हैं, तो वो एज अ स्ट्रेस बस्टर करके यूज करते हैं कि उन्होंने उनके हफ्ते भर के कॉरपोरेट जॉब में या मेडिकल फंड में उन्होंने काफ़ी टेंशन वाला जो उनका जॉब रहता है या उनका प्रोफेशन रहता है उनमें पूरे हफ्ते में वो व्यस्त रहते हैं, बट सैटरडे संडे मेरे साथ आते हैं मैक्रो फोटोग्राफी करने के लिए। 2 या 3 घंटा अगर एक कॉन्सेंट्रेशन लेके फोकसिंग करके छोटे जीव जंतु की जो फोटोग्राफी करते, काफ़ी कलरफुल होती है, उसमें काफ़ी सारा कॉन्सेंट्रेशन होता है, काफ़ी सारा फोकसिंग होता है, सो उनमें उनको इतना जॉय मिलता है, इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उनका पूरा स्ट्रेस है वो निकल जाता है, सो दे यूज इट एज अ स्ट्रेस बस्टर। एक
छोटा सा तितली मैंने शूट किया था, जो भारत का सबसे छोटा तितली है ग्रास ज्वेल, विथ ड्यू ड्रॉप्स, उसके पंख पे ड्यू ड्रॉप्स जमा हुए थे, बहुत ही छोटा, मतलब जस्ट 14 mm. उसी साथ मैंने एटलास मॉथ शूट किया था, जो जग का सबसे बड़ा मॉथ है, पतंग है, जो बटरफ्लाई की कजिन मानी जाती है. सो ये जंगल में ये चीज़ें ढूंढना और उनको शूट करना वो दिल को बहुत लुभाता है, दिल को बहुत आनंद देता है. तो जो फोटोग्राफी का टेक्निक है वो तो उसके बाद आ जाएगा, बट उसके पहले ये जो छोटे जीव जंतु जंगल में ढूंढने हैं, उनको ब्यूटीफाई करना है, उनको लोगों को दिखाना है, जो हम लोगों को नॉर्मली दिखते नहीं है, वो ढूंढना पहले बहुत डिफ़िकल्ट होता है. फिर उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफिक टेक्नोलॉजी है, जो आपका हार्डवेयर है या आपका खुद का फोटोग्राफी स्किल है, वो उसके पीछे अप्लाई करना पड़ता है. और फिर वो छोटा सा जो कीड़ा है वो आप अपने व्यूअर्स को और आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको आप दिखा सकते हैं. माइक्रो फोटोग्राफी में अपने इधर जितना कैमरा, माइक्रो लेंसेस या माइक्रो एक्सेसरीज इम्पॉर्टेंट है, उतने ही लाइटिंग सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है. अपने भारत में अपने जो जंगल है काफ़ी घने हुए हैं, तो ये घने जंगल में लाइट की दिक्कत बहुत आती है. जो हम लोग बर्ड फोटोग्राफी के लिए या बाकी ओपन जंगल में जाते हैं, तो उधर फोटोग्राफी के लिए आपको लाइट अच्छा मिलता है, बट मैक्रो में आपके ये जीव जंतु है हमेशा थिकेट्स में, कैनोपी में, बहुत बार ज़मीन के आजू बाजू में रहते हैं, तो उधर डार्कनेस या अंधेरा बहुत होता है. तो वो इल्यूमिनेट करने के लिए सब्जेक्ट हम लोगों को फ्लैश की ज़रूरत पड़ती ही है. गोडॉक्स ने काफ़ी सारे इनोवेटिव नए नए प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली फ्लैश सिस्टम में मैक्रो के लिए दिए हैं. पहले तो उनके सिर्फ हॉट शू फ्लैश में 2-3 वेरिएंट थे, बट हम लोगों को उससे ज़्यादा क्रिएटिव लाइटिंग के लिए 2-3 फ्लैश की ज़रूरत होती थी. वो उन्होंने जब भी गोडॉक्स MF12 जो इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें 2 छोटे फ्लैश है, उसमें आप एडिशनल फ्लैशेस भी डाल सकते हो, वो दिए हुए, तो उसमें काफ़ी सारा लाइटिंग करने में सुधार आ गया. पर्टिकुलर मैक्रो फोटो में क्रिएटिव लाइटिंग के लिए हम लोगों को वो आसान हो गया. उनका M1 कंटिन्यूस लाइट है, R1 कंटिन्यूस लाइट है, वो हम लोगों को उसका सपोर्ट मिल गया. उसका जो कंटिन्यूस लाइट की वजह से सब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए वो हमें जंगल में आसान हुआ. मेरे साथ कई लोग होते हैं वो अलग अलग ब्रांड के कैमरा यूज़ करते हैं, तो खुद कैमरा ब्रांड का ही फ्लैश काफ़ी टाइम दिक्कत देता है या हम लोग वो शेयर नहीं कर सकते, बट गोडॉक्स का फ्लैश अगर आपके साथ ट्रिगर होगा तो यही फ्लैश मैं मेरे पार्टिसिपेंट को दे सकता हूँ, को फोटोग्राफर को दे सकता हूँ, और उनको जो मैं फोटोग्राफी लाइटिंग के साथ खेल सकता हूँ वो उनको मैं सिखा सकता हूँ या उनको बता सकता हूँ. ये जो गोडॉक्स के प्रोडक्ट है ये हम लोग काफ़ी मानसून में जंगल में यूज़ करते हैं. हमारा डेफिनेटली रफ एंड टफ़ यूज़ होता है. हम लोग कीचड़ में नीचे बैठते हैं, कैमरा नीचे ज़मीन में रखते हैं, धूल मिट्टी लगता है, काफ़ी टाइम हम लोगों को फिर वापस आने के बाद उनको सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है. तो गोडॉक्स के सर्विस सेंटर काफ़ी सिटीज़ में जगह जगह अवेलेबल है, तो उधर हम लोगों को सपोर्ट मिलता है. ये गोडॉक्स के प्रोडक्ट आप जब भी ऑफिशियली परचेस करते हो, उसमें जो उनका होलोग्राम रहता है निकिता डिस्ट्रीब्यूटर का, वो जब भी आप वो प्रोडक्ट देख के खरीदते हो, तो आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदी किया, उसका मेरे पास बाकायदा बिल एंड वारंटी है. तो मुझे जब भी बाई चांस प्रोडक्ट में कुछ माल फंक्शनिंग होता है तो उसका ऑफिशियल सपोर्ट मुझे मिलेगा. उनके जो पूरे भारत में फैले हुए जो सपोर्ट सेंटर्स है, सर्विस सेंटर्स है, उसमें जाके आपको कभी भी कैमरा में कोई भी टेक्निकल कैमरा के ये जो प्रोडक्ट्स के गोडॉक्स के फ्लैश में दिक्कत आती है, तो उधर जाके आप उनको दिखा सकते हो, उनसे टेक्निकल सपोर्ट और टेक्निकल हेल्प ले सकते हो. अभी ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होते हैं उसके कोई फिक्स सीज़न होते हैं. जैसे बर्ड फोटोग्राफी करना है तो माइग्रेटरी बर्ड्स अक्टूबर नवंबर से इंडिया में आने शुरू होते हैं, या जैसे कोई बड़े फॉरेस्ट में आपको जाना है तो ये फॉरेस्ट मानसून में 3 महीने बंद होते हैं, तो 3 महीने आपकी ये फ़ोटोग्राफी नहीं होती.
बट मैक्रो का ऐसा नहीं है, मैक्रो आप थ्रू आउट द ईयर कोई भी सीजन में कर सकते हो। ऑफ कोर्स मानसून में, बारिश में मैक्रो की जो अवेलेबिलिटी है, जो सब्जेक्ट्स है, वो जंगल में मिलने की तादाद जो है, ऑकरेंसेस है, वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, पोस्ट मानसून में अच्छा होता है। बट ऐसा नहीं होता है कि समर सीजन में आपको मैक्रो नहीं मिलेगा। तो आपको कोई भी सीजन में अगर आप जंगल में जाते हो, कोई सिटी गार्डन में जाते हो, तो आपको आराम से मिल सकता है। मैक्रो फोटोग्राफी करने के लिए सिर्फ आप मैक्रो फोटोग्राफी ही उधर होती है ऐसा नहीं होता है। जो जंगल में आप जाओगे, जो वाइल्ड एरिया में आप जाओगे, उधर आपकी बर्ड फोटोग्राफी भी हो सकती है। ऑफ कोर्स उसके लिए जो इक्विपमेंट आपको चाहिए रहेगा वो आपके बैग में होना जरूरी है। बट मैक्रो फोटोग्राफी करते करते आप बर्ड फोटोग्राफी भी कर सकते हो, बाकी फोटोग्राफी भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी आसान होता है। एक छोटी सी मैक्रो लेंस या छोटे भी मैक्रो एक्सेसरीज जो है वो आपके बैग में रहेगी। आप समझो बर्डिंग के लिए भी जा रहे हो और उधर आपको कोई मैक्रो सब्जेक्ट मिल गया, तो उसकी मैक्रो फोटोग्राफी अगर आपके कैमरा किट में वो एक्सेसरी है तो आप आराम से कर सकते हो। मैक्रो में आपके ये जीव जंतु है हमेशा थिकेट्स में, कैनोपी में, बहुत बार ज़मीन के आजू बाजू में रहते हैं, तो उधर डार्कनेस या अंधेरा बहुत होता है। तो वो इल्यूमिनेट करने के लिए सब्जेक्ट हम लोगों को फ्लैश की ज़रूरत पड़ती ही है। दूसरा एक कारण होता है कि ये जो जीव जंतु रहते हैं, उड़ते रहते हैं, रेंगते रहते हैं, क्रॉलिंग करते रहते, तो उनकी एक्शन फ्रीज करना फ्लैश फोटोग्राफी की तरफ से बहुत आसान हो जाता है। सो इसीलिए फ्लैश हम लोग मैक्रो फोटोग्राफी में काफ़ी यूज़ करते हैं। कोई पर्टिकुलर एक लोकेशन ये मैक्रो फोटोग्राफी के लिए नहीं है। आप महाराष्ट्र में कास पठार है या माथेरान है, महाबलेश्वर है, मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क है, उधर मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं। गोवा के फॉरेस्ट जो है, जो बोंडला है, कटेगो है, भगवान महावीर सेंचुरी है, उधर बहुत अच्छी तरह से मैक्रो होते हैं। नॉर्थ में आपके जिम कॉर्बेट के आजू बाजू में के एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में काजीरंगा है, ये काफ़ी सारे फॉरेस्ट में आप जाके मैक्रो फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये मैक्रो फोटोग्राफी के लिए मैं लोगों को यही बोलूँगा कि ये आपको ज़्यादा खर्चे वाला नहीं है, आपके घर के आजू बाजू में मिलना है। तो जैसे आप टाइगर फोटोग्राफी के लिए आपको मिनिमम ताड़ोबा तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी या कोई बड़े फॉरेस्ट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, बट मैक्रो फोटोग्राफी आप घर में, आपके गार्डन में, आपके टेरेस में भी कर सकते हैं, तो काफ़ी आपके लिए वो आसान हो जाएगा। सो वो कभी भी प्रैक्टिस करते हैं। आपको ऑफिस के जाने में पहले आपने ब्रेकफास्ट किया, थोड़े गार्डन में टहल रहे, उधर आपको कुछ चीज़ दिख गई, तो उसका आप फोटोग्राफी सहज कर सकते हो। आपको ज़्यादा दूर ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं, तो काफ़ी आसान है। बट प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। सो प्रैक्टिस तो कोई भी फोटोग्राफी जोनर हो आपको करनी पड़ेगी, टेक्निक मालूम करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, गियर का, हार्डवेयर का डेफिनेटली सपोर्ट लगेगा, तो वो आपको लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सो ये जंगल में ये चीज़ें ढूंढना और उनको शूट करना वो दिल को बहुत लुभाता है, दिल को बहुत आनंद देता है। ऐसे ही सांप होते हैं या स्कॉर्पियन बिच्छू होते हैं, सुनने के लिए तो ये डरावना लगेगा बट बहुत ही सुंदर दिखते हैं जंगल में उनको ढूंढना। हाँ ऑफकोर्स ये जो स्नेक्स या स्कॉर्पियन होते हैं उनमें से कौन से वेनमस है, कौन से नॉन वेनमस है, ये आपको जानना ज़रूरी है। बट जंगल में वो ढूंढना, जो काफ़ी हद के स्पेसिस होते हैं वो रात को दिखते हैं, तो रात में जंगल में जाना, नाइट ट्रेल करना, फिर उनको ढूंढ के उनका सफिशिएंट डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस रख के उसका शूटिंग करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही दिल को लुभाता है, बहुत आनंद देता है। ये जो स्नेक्स होते हैं उसमें कोबरा होगा या सॉस्केल्ड वाइपर होगा या रसल वाइपर होता, ये जानलेवा बहुत ही वेनमस होते हैं बट उतने ही सुंदर दिखते हैं। तो वो एक चैलेंजिंग होता है, जैसे लोग रोड रेसिंग करते हैं या ऑफ रोडिंग करते हैं, तो उसमें जो थ्रिल होता है, वही जो थ्रिल होता है ये मैक्रो फोटोग्राफी में हम लोगों को मिलता है।